थोड़ा सा कुछ बॉडी मसाज भी करा लेते हैं, है ना। तो होटल लाइन वाले के पास टाइम से मिलते हैं नहीं, हर समय गेस्ट 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 इनका डिमांड फुलफिल करते करते पता नहीं कब अपने लाइफ में कब वो दिन आएगा, वो दिन कब आएगा, वो टाइम कब आएगा। ना होली रहता है, ना दीपावली रहता है, ना 31st, ना क्रिसमस, नथिंग, कुछ नहीं। तो गाइस, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा पिज्जा, और ये पिज्जा एज पर होटल, आजो एज पर होटल के लिए भी वो पिज्जा कैसे बनता है और घर के लिए भी कैसे बना सकते हो। तो ये मेरे लिए चाय आ गए हैं, तो सुबह से मैं ये पहला चाय पी रहा हूँ। अभी बज रहा है 4, तो लंच के बाद, मतलब लंच मैंने काफ़ी देर पहले कर लिया था। तो घर में मैं, हाँ बोल रहा था पिज्जा के लिए, तो घर में पिज्जा कैसे बना सकते हो और होटल में पिज्जा कैसे बना सकते हो, उसके लिए आपके पास ओवन होना कितना जरूरी है कितना नहीं है वो भी चीज़ बताता हूँ मैं। और मेरा हाथ का पिज्जा मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ वो ऑथेंटिकली मैं बना के दिखाऊंगा, आप उसमें जरूर देखना। उसको वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे छूट जाए, तो वो चीज़ आ नहीं पाएगा, वो चीज़ उभर के नहीं आ पाएगा। वो रेसिपी फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वो चीज़ ज़रूर करना कि कंप्लीट वीडियो देखना और आपके घर में ट्राई करना। तो चलते हैं मेरे किचन में और बनाते आज पिज्जा, लेट्स गो। तो फाइनली मैं किचन में आ चुका हूँ, फिर अगेन कॉन्टी किचन में आ चुका हूँ। मेरे टीम के कुछ कुछ बंदे खड़े हैं, ये लोग ने मेरे को थोड़ा सा हेल्प किया पिज्जा प्ला करने में। तो घर वाला पिज्जा या फिर होटल वाला पिज्जा जहाँ पे आप जाके एक अच्छे से पिज्जा खाने को मिलता है, तो वो पिज्जा प्रिपरेशन कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलता है और कितने टेम्परेचर में पकाना होता है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के पिज्जा, और मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो जो चीज़ें मैं डालूँगा। तो ये रहा पिज्जा का आटा, जो डो लगा हुआ है, डो थोड़ा सा आपको फॉर्मेट होता हुआ दिख रहा होगा कि इसको मैंने फॉर्मेट करके एक ग्रीन रैप कर रखा हूँ। इसका अलग अलग है, एक गुरमेट पिज्जा बना के दिखाऊंगा ओवन में, स्टोन बेस ओवन में। और इसके आटे में जो जब अपन मैदा लगाएंगे तो उसके साथ में जैसे ब्रेड का डो लगाते समय हम लोग ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर, कैल्शियम पाउडर, शुगर, सॉल्ट और पानी और इसके साथ में इसको लगाना है। और ये कितना कितना डालना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। बाकी उसमें कितना किलो मैदा में आपको कितना पानी डालना है और कितना कितना बड़ा डो होना चाहिए, डो कितना ग्राम का होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या इक्विपमेंट है। और एज़ पर होटल के हिसाब से हम लोग 120 ग्राम के हम लोग ये जो डो है 120 ग्राम के पेड़ा काटते हैं। तो इसके लिए मुझे ये जो चाहिए होगा, ये मेरा पास रॉयल वो है ब्रेड क्राम पैन को का, और थोड़ा सा मुझे ड्राई रिफाइंड फ्लावर चाहिए होगा, मैदा। इसके लिए मुझे डाइस चीज़ है, डाइस चीज़ मतलब ये जो मोजरेला चीज़ है, इसमें येलो चेडर और मोजरेला दोनों मिक्स है। कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल, मुझे इस तरह का वेजिटेबल चाहिए होगा पिज्ज़ा के लिए, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हूँ जो मैं डालूँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑलिव चाहिए होगा, थोड़ा सा चेरी टमाटो, चिल्ली फ्लैक्स, थोड़ा सा ऑरेगेनो और सीजनिंग पाउडर और अनियन। अच्छा, ये पिज्ज़ा के ऊपर जो सॉस डालते हैं, ये टमाटर प्योरली मैंने टमाटर को ब्लांच करके मैंने इसको दरदरा चॉप किया हूँ। तो इसको पिज्ज़ा का सॉस कैसा बनता है ये मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बना के दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पिज्ज़ा का सॉस। पिज्ज़ा का सॉस, पिज्ज़ा सॉस बेसिकली पिज्ज़ा के ऊपर जब हम लोग स्प्रेड करते हैं ना, तो एक रेड कलर का सॉस होता है, उसको बोलते हैं मैरिनारा। तो मैरिनारा सॉस कैसा बनाते हैं, कैसे बनता है वो मैं एग्जैक्टली आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, मेरे को थोड़ा सा हिसाब से ही डालना है। मैं थोड़ा सा चॉप अनियन डालूंगा, चॉप अनियन को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करता हूँ। इसको कितना देर सॉफ्ट करना है, जस्ट मतलब थोड़ा सा ये हल्का सा पक जाए, ज्यादा ब्राउन होने की जरूरत नहीं है, करना भी नहीं ज्यादा। और थोड़ा सा आपको सैलरी स्टिक डालना है, इसमें सैलरी स्टिक अगर आपके पास नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, कोई नेसेसरी। जैसे ये थोड़ा सा कुक हुआ है तो इसमें मैं थोड़ा सा सीजनिंग पाउडर डालूंगा और थोड़ा सा ऑरेगानो,
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसको ज़्यादा मुझे सौते नहीं करना है। ये जो टमाटो का मैंने थोड़ा सा पीस के रखा हूँ, इसको इसमें पकाना है। शुगर का दाना इतना डालना है कि ये ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कैचअप टच कर दिया। नॉर्मली मुझे इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। ये मेरा बन गया है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं। ऑलरेडी टमाटो बॉयल हो रखा है और इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा तड़का लगाया हूँ कुछ हर्ब्स के साथ में। तो ये कुछ इस तरह का, ये मेरा पिज़्ज़ा सॉस है। अब मैं ये पिज़्ज़ा सॉस डालूँगा, जो जो पिज़्ज़ा का बेस बनाऊँगा उसको फिर ये स्प्रेड करूँगा। चलते हैं पिज़्ज़ा का बेस कैसा बनता है। ये जो पेड़ा है 120 ग्राम का है, 120 ग्राम का इसको कैसे आपको करना, पहले थोड़ी देर इसको पेड़ा काट के रखना है, तो ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए। तो उसको ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़ा मैदा, थोड़ा सा क्राम दोनों डाल के आपको इसको इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना है। इसको स्प्रेड कैसा करना होता है, थोड़ा सा ये जो थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ ये होटल्स के हैं, घर में भी आप ऐसे बना सकते हो एज वेल एज होटल में भी बना सकते हो। ज़्यादा नहीं बेलना है, हाथ से इसको फैलाना है। थोड़ा सा साइड इसको मोटा रखना है, बीच में से थोड़ा पतला रखना होता है। तो हल्का अगर आप बेलन के सहारा लोगे ना तो ये ज़्यादा बेटर होगा, आटा देना बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि जब मैं बेल रहा हूँ ना तो ये साइडों में नहीं बेल रहा हूँ, मैं सिर्फ अंदर के साइड ही बेल रहा हूँ। देखो काटते हो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा सा पिज़्ज़ा नहीं बन सकता, क्योंकि ये 10 इंच का लगभग पिज़्ज़ा बनेगा। इसमें ये जो मैंने जो सॉस बनाया था ना उसको कुछ इस तरह से स्प्रेड करूँगा इसी के ऊपर। इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, बहुत प्यार से इसके ऊपर ये लगाना। वेजिटेबल्स जो मैंने अलग सा करके रखा हूँ, इसके ऊपर सीजनिंग डालने का नहीं नीड्स नहीं है। यूजुअली लोग थोड़ा सा इसको सीजनिंग में थोड़ा सा ड्रिल करके उसमें रख देता है। आपको ज़्यादा वेजेस डालने की जरूरत नहीं है, जितना आपका रिक्वायर्ड है एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना ही आपको पेजेस लेना है, उससे ज़्यादा लेने की कोई नीड्स नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें अब ये मैं
पिज्जा का चीज़ डाल रहा हूँ, तो चीज़ मुझे कितना डालना है? ये ज़्यादा चीज़, अच्छा ये हमेशा हाथ को इस तरफ करके आपको रखना है, बहुत केयरफुली। साथ में ये जो मैंने बेबी कॉर्न काटा हूँ, कुछ इस तरह से मैं इसको प्लेस कर दूँगा, ताकि ये जब भी मैं इसको अभी स्लाइस मारूँ तो ईजिली वो दिखाई दे। इसके साथ में मैं थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऊपर से डाल देता हूँ, थोड़ा सा ऑरेगनो डाल देता हूँ, थोड़ा सा सीजनिंग पाउडर डाल देता हूँ। डालूँगा मेरे ये, हम लोग इसको बेलचा बोलते हैं, तो ये बेलचा का ओवन में डालता हूँ। ये बिल्कुल आ गया है इसमें, ठीक है, इसमें अभी मुझे कुछ करने करना। अब मेरे पास ये ओवन है, बिल्कुल रेडी ओवन है, स्टोन बेस ओवन चाहिए होगा। स्टोन बेस ओवन में ये पिज्जा डालने जा रहा हूँ, तो मैंने 15 मिनट में कुक करके निकालूंगा, टिल देन दूसरा पिज्जा बनाते हैं। चलो आगे, अब सेम मैंने बोला ना, जो दूसरा पिज्जा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो दूसरा पिज्जा हम लोग घर में कैसे बना सकते हैं? चलो ये तो मैंने एक होटल की जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बना देंगे कि हम लोग पिज्जा कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अच्छा यही चीज़ हम लोग अगर घर में बनाएँ तो कैसे बनाएँ? घर में तो हमारे पास स्टोन बेस ओवन नहीं होता, हर सबके पास नहीं होता, ठीक है, तो स्टोन बेस के बिना ओवन का, अच्छा बिना ओवन का मैं पिज्जा बना के आपको दिखा रहा हूँ। बहुत इजी है, ट्रिक है थोड़ा सा दिमाग लगाने का, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना। तो आपका के पास गैस चूल्हा रहता ही है, नॉन स्टिक पैन आपके पास रहते हैं, बहुत यूजली नॉर्म सभी के घर में इस तरह का पैन रहते हैं, तो आपके पास दो पैन की ज़रूरत होगा, एक नीचे के एक ऊपर का, ठीक है। तो नीचे ऊपर का एक कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। डो लेना है, ये जो आपने डो बना रखा है ये ही डो लेना है। इसके लिए थोड़ा सा मैंने क्राम डाला, क्राम के जगह आप सूजी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सूजी को अवॉइड कर लो और ये वाला क्राम यूज़ कर लो। कुछ मैंने इसको ऐसे कर ली है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको बेल दिए। प्रोसेस सेम वही है, बस सेकने का डिफरेंट वे है कि आप घर में पिज्जा इजीली बना के कैसे खिला सकते हो, फ्रेंड को, फैमिली को, और खुद भी एंजॉय कैसे कर सकते हो। देखो मेरे को स्वेटिंग हो रहा है, मेरे को गर्मी लग रहा है, बस आपकी भी पिज्जा बना रहा। सेम वही चीज करना है जो पहले वाले पिज्जा में किया था। मुझे थोड़ा सा पनीर टिक्का सिखा हुआ होगा तंदूर शेफ, थोड़ा सा जो पनीर टिक्का सिखा हुआ होगा ना वो दे दो मेरे को। तो पनीर टिक्का पिज्जा है ना, वो बहुत क्रेज रहता है पनीर टिक्का पिज्जा कैसे बनाते हैं, आज मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ।
आपको वेजेस जितना नीड्स होगा उतना ही वेजेस डालना है, ज़्यादा वेजेस डालने के कोई नीड नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ चेरी टमेटो, चेरी टमेटो का आपको कुछ ऐसे काटना है। लोगों को बहुत बढ़िया लगता है चेरी टमाटो, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं, रस्ती भर का नहीं है, महंगा इतना है, टेस्ट ही नहीं है। अरे ये वाला दे दो पनीर यार, कोई बात नहीं, बड़ा हुआ इस पनीर को, उस पनीर को मुझे थोड़ा सा काट देना डाल दी। अच्छा ज़्यादा नहीं आना चाहिए पनीर भी, थोड़ा सा हिसाब से डाल दी क्योंकि आप पिज्ज़ा खाते हो है ना, तो ज़्यादा पनीर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 50 ग्राम 40 ग्राम पनीर मोर देन सफिशेंट। अगर दोबारा मैं इसमें पिज्जा टच चीज़ डाल रहा हूँ जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अच्छा डालते समय साइड तक नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा हाथ से बाउंड्री करके डालना है क्योंकि ये जो पिज्ज़ा फैल के ना, चीज़ फैल के बाहर तक आ जाएगी है ना। अब ये रेडी हो गया, ये ब्लैक सावा, तो इस सावा के ऊपर मैं पिज्जा सिखाऊंगा। अगेन मैं बहुत इसी हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। अब मैं इस पर वापस प्यार से इस पर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेकता हूँ, सेकते समय सेकना कैसा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो मैंने पनीर लिया ना चीज़ पिज्ज़ा, अब पिज्ज़ा देखो ये थोड़ा सा धीमी आंच में, इसको मैंने नीचे से सेकना स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा चीज़ डाल देना कम हो गया था, ठीक है जी। ध्यान से एक बार हल्का सा गर्म हो जाए नीचे का जो भी इसका जो टेम्परेचर है, एक बार टेम्परेचर 100 एबव चला जाए ना, तो फिर आप उसको दूसरा क्या चीज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए मैंने एक और पैन लेके रखा हूँ, तो इस पैन को मैं कैसे इसको कवर्ड करना है वो मैं आपको करके दिखा दूँ। अब मैंने जैसे इसको किया ना तो मैंने हल्की आँच कर दी, इसमें हल्का हल्का कलर नीचे से आ रहा है, नीचे से ऑलमोस्ट ये 80% इसका बेस कुक हो चुका है। अब इसको थोड़ा तेज आंच करके मैं इसको साइड में लूँगा, इसको ये ढक्कन लगा रहा हूँ, ठीक है, कवर्ड कर रहा हूँ। तो कवर्ड ऐसे करना है, इसमें थोड़ा सा कैमरा नज़दीक आओ, कैमरा थोड़ा नज़दीक आओ, ये देखो मैं जो कवर्ड कर रहा हूँ चूल्हे के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको लगता हुआ। तो इसको धीरे धीरे हल्का हल्का गैस में इसको ऐसे कवर्ड करना है। तो अभी आपके सामने मेल्ट चीज़ मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक साइड से घुमा घुमा के करना है सिंपली, मतलब बहुत तेज आंच में नहीं करना है, मेरा तो एक्चुअली थोड़ा सा आंच तेज है और इसको मैं थोड़ा सा धीरे करता हूँ, लहूँ मैं बेटर है क्योंकि अच्छी कुक होना बहुत ज़रूरी है। ये पिज्ज़ा बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे ओवन में बनता है। तेज गरम आंच आ रहा है, ये बंद कर। जैसे जैसे हो रहा है ना, ओह माय गॉडनेस लाइट के, तो ये देखो थोड़ा थोड़ा चीज बर्स्ट होने लगी, पिघलने लगी और देखो कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि ये है ना, लेकिन ये ट्रिक है आपका कि आप इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के अच्छे से सीखना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है इसको चारों तरफ से थोड़ा सा इसको टेम्परेचर देना, एक सीक्वेंसली इसको टेम्परेचर मिलना जरूरी है।
मेरा पिज्जा कई जगह से कच्चा रहेगा, क्योंकि मैंने जो पिज्जा का बेस लिया हूँ मार्केट बेसिस नहीं है, होममेड है, और पिज्जा होता ही ओरिजिनली पिज्जा होता ही यही है। अब मैं इसको फाइनल टच देने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हो पिज्जा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और सेम मैंने दूसरा पिज्जा जो ओवन में डाला हूँ वो भी हो रहा है। तो दोनों पिज्जा को मैं एक साथ रखता हूँ, कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने बिल्कुल ही ओवन नहीं दिखाया हूँ, और ये मेरा पिज्जा बनके रेडी हो गया है, फाइनली रेडी हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से, ये देखो मस्त कलर आया। अब मैं दिखाता हूँ ओवन वाला पिज्जा कम, ये भी डन हो चुका है। ये देखो मैंने जाली लगा दिया था, फाइनली ये भी बिल्कुल डन हो गया है। तो कुछ मुझे दो वुडन वाला yes. ये दोनों पिज्जा डिफरेंसेस क्या है, इतना डिफरेंसेस है क्योंकि स्टोन बेसिस पिज्जा जो है वो यू नो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा आप मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। अगर आपका आपने तावा में इसको अच्छे से सेका है तो ये पिज्जा खाने में बहुत मजा आएगा, बहुत अमेजिंग लगेगा। मैं इसमें काटना कैसे है आपको, सीजनिंग डाल देता हूँ मैं। ये जो है ना क्रिस्पीनेस यहाँ पे, और इसके जो साइज है, फीलिंग, ये जो है, ये जो बाउंड्रीज है, ये गुरमे पिज्जा का ये खासियत है कि आप जब भी पिज्जा बनाते हो तो ये जो होगा बाउंड्री जो थोड़ा सा मोटा आना चाहिए, इसका जो अंदर का जो इनसाइड है वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग है। ये स्टोन बेसिस पिज्जा का है, और यही चीज़ अगर मैं इसका बात करूँ तो ये है ओवन सॉरी तावा बेसिस, तावा बेसिस का भी सेम है। देखो सिका कितना अच्छा से बेस, और ये बाहर का ये बाउंड्री हल्का सा इससे कम ये बाउंड्री सिका है, क्योंकि हमने ओवन में नहीं, बिल्कुल मैंने 100% ये मैंने चूल्हा के अंदर बनाया तावा में। तो घर में इजीली आप ये पिज्जा बना के खा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को फैमिली को खुद आप इंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नया ड्रेस में।